टीचर ने मासूम छात्र को बेरहमी से पीटा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में प्राथमिक स्कूल के टीचर ने पांचवी क्लास के एक मासूम बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से पीटा। छात्र के शरीर पर निशान इतने गहरे हैं कि खून तक झलक आया है। 25 मिनट पीटने के बाद भी टीचर का मन नहीं भरा। यही वजह रही कि टीचर ने छात्र को स्कूल से बस्ता छीन कर भगा दिया। टीचर वीरेंद्र कुमार पर यह भी आरोप है कि स्कूल आने पर दोबारा पीटने और जान से मारने की धमकी की बात कही। मासूम काफी डरा और सहमा हुआ है। अब वो टीचर के सामने आने से भी बेहद घबरा रहा है, स्कूल भी नहीं जा रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस में शिकायत दे दी गई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम स्कूल में गए थे, उसने सवाल दी और उसने उसको हम बस बुलाने गए तो वो डंडी तोड़ के मारने लगा। और हम उससे सवाल पूछने गए तो मारने लगा और ड्रेस और बस्ता सब छीन लिया और कहा आओगे तो तुम्हें मार डरेंगे और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे भाई भाई कोई नहीं जान पाएंगे और तुम इसमें सर जाओगे और तुमको पता ही नहीं चलेगा। क्यों मारा था तुम? हमने सवाल नहीं लगा पाए। सवाल नहीं लगाया फिर क्या हुआ? पूछने गए थे। पूछने गए थे। वो क्या कर रहे थे? वो बात कर रहे थे पता नहीं किसी से। फोन पे प्राथमिक विद्यालय भी बदला पड़ता है तो वहाँ गया था, इनको टीचर ने क्वेश्चन वगैरह दिया करने के लिए, तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तो दोबारा पूछने गया तो वो मास्टर साहब फोन से बात कर रहे थे तो उनको कुछ डिस्टर्बिंग हुई वहाँ पे तो इसको पीटने लगे वहीं पे, तो पीटा इसके अंदर दिखती बर्थ सब पीछे पीछे पड़ गई है। तो इसको लेकर हम थाने में अप्लीकेशन भी दी है, मेरी अभी तक FIR नहीं दर्ज की गई है, तो नहीं चाहते हैं वहाँ पर कार्रवाई की जाए FIR दर्ज। दो बच्चे लड़ रहे थे, एक बच्चा पॉइंटर लेके दूसरे बच्चे को पीट रहा था। जब हम वहाँ से आए तो हमने पॉइंटर छीन लिया, हमने भी एक दो उसको लगा दिए और उसके बाद सुबह स्कूल छुट्टी हो गई 1 बजे। सुबह जब हम वापस आए स्कूल अगले दिन तो गार्जियन हमारे पास आए, उन्होंने हमको दिखाया तो उसके पीठ में निशान बने हुए थे। हमने अफसोस जाहिर किया और हमने खेद भी व्यक्त किया था, ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। उसके बाद भी गार्जियन जहाँ कहीं भी गए हों ये पता नहीं आज आ पाएँ तो इस घटना मैं बता रहा हूँ और फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ कि अब भविष्य में इस विद्यालय में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये हमारी जिम्मेदारी है।